रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से। आज होली का त्यौहार है, गुलाल का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और रंग बिरंगी छटा हर ओर छाई है। आज देश भर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, या अगर थोड़ा और बढ़कर कहूँ तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। रंगों का त्यौहार मनाया जा रहा है, प्रेम का त्यौहार मनाया जा रहा है, सौहार्द का त्यौहार मनाया जा रहा है, हर्ष का त्यौहार मनाया जा रहा है, उल्लास का त्यौहार मनाया जा रहा है। हर ओर सिर्फ रंग खिले हुए हैं, हर ओर रंग खिलते नजर आ रहे हैं, हर ओर रंगों की बयार है। तो क्या आज हम एक बार फिर आपके सामने कवि सम्मेलन लेकर आए हैं? कवि सम्मेलन ये वो सम्मेलन है जिसके जरिए हम आपके समक्ष आज होली के कुछ रंगों को कविता के जरिए, कविताओं के जरिए आपके सामने रखेंगे। तो होली के त्योहार को मनाने के लिए आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर एक खास कवि सम्मेलन का आयोजन जिसपे हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हैं। मेहमानों से आपका तारुफ, आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जगजीवन मिश्रा जी जुड़े हैं और हेमा पांडे जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और शिव किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगजीवन मिश्रा जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि देखिए मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत की उसमें गाना इसलिए गा दिया क्योंकि अगर ओरिजिनल वाला लगा देते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए खुद का गा के थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश की है, उसके लिए माफी चाहूंगा। सबसे पहले तो ये आपको बताता चलूं कि आज जो हमने कवि सम्मेलन का आयोजन किया है इसमें शिव किशोर जी, सबसे पहले तो मुझे भी कुछ कविताएं आती हैं, लेकिन अगर मैंने कुछ कविताएं शुरुआत में गा दी तो जो दर्शक जुड़ना शुरू हुए हैं जितनी तेजी से, उतनी तेजी से दर्शक भागना शुरू कर देंगे। तो दर्शकों को भगाने नहीं बल्कि जोड़ने का काम करेंगे, इसलिए शिव किशोर जी आपके साथ शंखनाद करेंगे। शिव किशोर जी कुछ रंग शुरुआत करिए, कुछ रंगों के साथ होली पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कविता के जरिए? बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आवाज पहुंच रही होगी मैं विश्वास करता हूँ। होली का पर्व है, हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। चार पंक्तियां होली के संदर्भ में पढ़ता हूँ और यही सबसे कामना करता हूँ कि इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से जो मैं अपने विचार आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, पूरे देश को देना चाहता हूँ, ऐसा ही चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। दीपक जले जो मंदिर मस्जिद प्रकाश पाए, दीपक जले जो मंदिर मस्जिद प्रकाश पाए, एलन अली के घर में हरिओम रोज आए, निरपेक्ष धर्म की तब बातें लगेंगी अच्छी, निरपेक्ष धर्म की तब बातें लगेंगी अच्छी, हर गीत में मुसलमान होली के गीत गाए, हर गीत में मुसलमान होली के गीत गाए। हम सबकी यही कामना है कि पूरा देश एक साथ जुड़े और एक विचारधारा से चले और हम सब बटे ना, ये हमारी कामना है इस होली में। और इसके बाद आपका क्या आदेश है? बिल्कुल, और जैसे कि शिव किशोर तिवारी जी आपने कहा कि हम सभी की ये कामना है कि देश बटे ना, आपकी कविता में जिस तरीके से आपने गुलालों को जो मिक्स किया है, आपने गुलाबी गुलाल, लाल गुलाल, हरा गुलाब सबको मिक्स करके जो कविता सुनाई है उसका दरअसल अगर रंगों के तौर पर मैं बताऊं तो यही था। आपके पास शिव किशोर जी वापस लौटेंगे और मैं, मेरे पास भी एक कविता है लेकिन मैं कविता बाद में सुनाऊंगा कि जब आपके द्वारा जो पूरा माहौल है वो सेट हो जाए उसके बाद। हेमा पांडे जी हमारे साथ, हेमा पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप स्टूडियो में होती तो गुलाल लगाकर स्वागत करते, लेकिन अभी आप क्योंकि हमारे साथ लाइव हैं तो आज आपसे ऐसे ही बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हेमा जी, होली का त्यौहार है, पूरे देश में होली की धूम है, पूरे देश में होली के लिए गीत गाए जा रहे हैं, कविताएं गाई जा रही हैं अपने अपने तरीकों से। तो हेमा जी सबसे पहले तो आपसे अगर दो पंक्तियां हो जाए तो शुरू करेंगे। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार पंक्तियां मैं होली के अवसर पर पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
ये भले हो जाए गोरे गाल, ये बदरंग होली में भले हो जाए गोरे गाल, ये बदरंग होली में मगर मन मानता कब है पिया के संग होली में दिखाता है असर अपना प्रणय का रंग होली में लजाना भूल जाता है चढ़ा कर भंग होली में लजाना भूल जाता है चढ़ा कर भंग होली में। वाह जी, बहुत बहुत आभार, मजा आ गया। वाह, लेकिन आज एक बार बताता हूँ मैं, क्योंकि जो कार्यक्रम करता हूँ हालांकि बहुत सीरियस दिखता हूँ, लेकिन आज क्योंकि मौका ही ऐसा है कि खुशी खुशी सब जो है हम चले आए, तो ऐसे में आपने कविता सुनाई, मेरे को भी कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको पढ़ देता हूँ कि आओ मिलकर। और मेरा बड़ा आपको पोएटिक नहीं लगेगा, आपको बचपन वाली पोएम की तरह फील देगा, वो जॉनी जॉनी यस पापा टाइप। तो मेरा भी यही है कि आओ मिलकर खेले होली, सब एक दूजे के संग खाओ गुजिया और पीलो भांग, हर घर महके खुशियों की तरंग, हर गलियों में बाजे ढोल और संग बाजे मृदंग, हिमांशु शानू कावेंद्र हो हर अंग खेले सब लाल, पीले रंगों के साथ होली मनाए हर त्योहार हर साल। तो ऐसे में अब जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ना चाहते हुए वाह वाही की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव किशोर जी। लेकिन शिव किशोर जी, क्योंकि जो होली जो त्यौहार है, होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें रंग है, गुलाल है, हर तरीके का है, पानी का गुब्बारा भी है इसमें जो ऊपर से भरकर शानू फेंक देता है। तो लेकिन एक और चीज़ है कि इसमें कविताएं भी अपने आप हैं, होली बिना कविता अधूरी है, होली बिना कवि के अधूरी है, और जहां होली है वहां कवि है। तो इसलिए आज क्योंकि आप हैं, और आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया जो है बड़ा सौभाग्यशाली है कि आप इतने अच्छे लोग हमारे सामने बैठे हैं और इतनी अच्छी कविताओं के साथ जो कार्यक्रम है उसको सुशोभित कर रहे हैं। तो ऐसे में शिव किशोर जी, अगर होली को आज की तारीखों में, जो आजकल जो वक्त चल रहा है, आजकल जो दौर चल रहा है, उसमें अगर होली का उसके लिए अगर आप आज के लोगों के लिए, युवकों के लिए, नए युवा के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो कुछ पंक्तियों के साथ। सर जी, होली का मतलब है प्रेम, और होली प्रेम के लिए जाना जाता है। एक प्रेम का गीत आपको सुनाता हूँ, और उसी के साथ होली का रंग भी है और प्रेम है, और होली का संदर्भ भी प्रेम होता है। इस निवेदन के साथ एक गीत निवेदन करो, सुनिएगा। जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए, प्यार की घड़ी का इंतजार कीजिए, प्यार की घड़ी का इंतजार कीजिए, प्रेम के प्रवाह में न कोई भूल हो, प्रेम के प्रवाह में न कोई भूल हो, भूल जो बबूल के हो वो भी फूल हो, इस तरह समाए प्यार सांस सांस में, दिल भी डूब जाए प्यार की तलाश में। वाह, सत्य झूठ प्रेम पर विचार कीजिए, सत्य झूठ प्रेम पर विचार कीजिए, विचार कीजिए, हाँ विचार कीजिए, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए। और प्रेम हो कैसा, कि राधा बावरी हो कृष्ण भी हो बावरा, राधा बावरी हो राधा बावरी हो कृष्ण भी हो बावरा, अंग में उमंग भरे श्याम सांवरा, बांसुरी के स्वर में सुगम साधिकार है, नाचती वो मस्त हो के राधिकार है, जो कभी न टूटे ऐसा तार लीजिए, जो कभी न टूटे ऐसा तार लीजिए, ऐसा तार लीजिए, ऐसा तार लीजिए, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए, प्रेमियों के पंथ में सुहानी एक शाम, प्रेमियों के पंथ में सुहानी एक शाम हो, जिंदगी हमेशा एक दूसरे के नाम हो, जिंदगी हमेशा एक दूसरे के नाम हो, प्यार में जहर भरा हो या कि जाम हो, प्यार में जहर भरा हो या
की जाम हो, प्रेम एक दूसरे का ही गुलाम हो, एक दूसरे पर एतबार कीजिए, एक दूसरे पर एतबार कीजिए, एतबार कीजिए, एतबार कीजिए, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए। अंतिम पंक्तियां है इसकी कि बादलों के बीच चकाचौंध दामिनी रहे, बादलों के बीच चकाचौंध दामिनी रहे, चंद्रमा में चमचमाती नित्य चांदनी रहे, चंद्रमा में चमचमाती नित्य चांदनी रहे, प्रेम प्रेम में मिले रवानी होनी चाहिए, प्रेमियों के प्रेम की कहानी होनी चाहिए, प्रेमियों के प्रेम की कहानी होनी चाहिए, गुण के साथ दोष भी स्वीकार कीजिए, गुण के साथ दोष भी स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए, प्यार की घड़ी का इंतजार कीजिए। और होली में जो हमारा उद्देश्य है कि हम सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, उस परिप्रेक्ष्य में भी कुछ पंक्तियां निवेदित किए देता हूँ, सुनिएगा। कि मन के उजड़े चमन हम खिला कर चले, होली में क्या माहौल होना चाहिए, निवेदन करता हूँ। कि मन के उजड़े चमन हम खिला कर चले, पीत पत झार के दिन भुला कर चले, मेरे मन में बसी बस यही कामना, हम किसी से मिले मुस्कुरा कर मिले, आज सदियों पुराना जगा पैर है, भाई भाई नहीं बन गया गैर है, फूल कांटों में खिलते महकते हैं पर, फूल कांटों में खिलते महकते हैं पर, उनका कांटों से रिसता नहीं गैर है, कोई मंदिर का भगवान अपना रहा देखता, कोई मस्जिद का सपना रहा, एक ईश्वर की मन में लिए कामना, प्यार सब से करें सार इतना रहा। अंतिम पंक्तियां बिल्कुल। और होली में क्या होना चाहिए, अंतिम जो होली का उद्देश्य मैं निवेदित करता हूँ कि जाति का भेद मन से मिटा दीजिए, जाति का भेद मन से मिटा दीजिए, भेद छोटे बड़े का हटा दीजिए, भर के समता सदाचार की अंजलि, भर के समता सदाचार की अंजलि, प्यार के पुष्प नभ में लुटा दीजिए, प्यार के पुष्प नभ में लुटा। वाह, तालियां हो रही है आपके, वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। और जैसे आप बोल रहे थे शिव किशोर जी, जैसे जैसे आप पंक्तियां रख रहे थे, वैसे वैसे जो हमारे ये जो ग्राफिक्स में जो गुलाल चल रहे हैं, ये इस तरीके से आपके ऊपर वर्षा कर रहे थे गुलाल, बड़ा खूबसूरत दृश्य। तो ऐसे में जो आपकी कविताएं हैं, दरअसल कुछ कुछ कविताएं ऐसी होती हैं शिव किशोर जी, जिन कविताओं की जो सुगंध होती है वो क्रांति वाली बातों में लगती है। आपका एक एक शब्द ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा और लाउडस्पीकर लगा के बोल दिया तो ये क्रांति लाएंगे। आपको जो बांटना नहीं है, सबको एक साथ रखना है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार, बहुत बहुत शानदार। तो ऐसे में हेमा पांडे जी, वही चीज आपकी तरफ है कि कुछ युवा जो हैं बड़ा टकटकी लगाकर बैठे हैं, और युवा मुझे पता है कि दर्शक जो होंगे हमारा बड़ा सुनना चाह रहे होंगे कि बताइए हेमा जी, उनके लिए अगर कुछ हो जाए तो, युवा लोगों के लिए। जी जी जरूर।
मैं एक गीत पढ़ती हूँ। वैसे जैसा कि खंजन जी ने कहा कि होली में प्रेम और मनोहार की बात की जाती है, तो मैं एक प्रेम का ही गीत पढ़ती हूँ, श्रृंगार का गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मिले जब से तुम हम महकने लगे हैं, मिले जब से तुम हम महकने लगे हैं, उपासा के तुमको हम समझने लगे हैं, हाथ की ये जोड़ी झुमके संग कंगना, हाथ की ये जोड़ी झुमके संग कंगना, खुशी से ये देखो खनकने लगे हैं, बहुत शानदार। खुशी से ये देखो हाय खनकने लगे हैं। और एक प्रेमिका या एक पत्नी जब बहुत दिनों के बाद अपने पति या प्रेमी से मिलती है, तो उसके मन की क्या भावनाएं होती हैं, सुनिएगा। स्वागत बरस तुम रहे दूर हमसे, इतने बरस तुम रहे दूर हमसे, गए हैं तरस नैना मजबूर गम से, लगा लो गले से विरह की लता को, लगा लो गले से विरह की लता को, छुअन से तुम्हारी निखरने वाह लगे हैं, छुअन से तुम्हारी है निखरने लगे हैं, मिले जब से तुम हम महकने लगे हैं। और गीत का अगला बंद सकती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। आंखों का काजल ये तुम्हारे लिए है, स्त्री का संपूर्ण श्रृंगार उसके पति या प्रेमी को ही समर्पित होता है, तो पंक्ति सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि आंखों का काजल ये तुम्हारे लिए है, जुल्फों का बादल ये तुम्हारे लिए है, जाए गजब। ना बरस कहीं ग्रेट। आज बेमौसम, जाए ना बरस कहीं आज बेमौसम, अब इन्हें भी संभालो ये बहकने लगे हैं, अब इन्हें भी संभालो ये बहकने लगे हैं, मिले जब से तुम हम महकने लगे। गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ, स्वागत। क्या दिल में किसी के आना खता है, क्या दिल में किसी के आना खता है, छोड़ के अगर ऐसे ये जाना सजा है, मोहब्बत ने हमको सताया बहुत है, मोहब्बत ने हमको सताया बहुत है, नजर हर किसी की हम परखने लगे हैं, नजर हर किसी की हम परखने लगे हैं, मिले जब से तुम हम महकने लगे बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार हेमा जी, बहुत खूब। हेमा जी, आपकी जो अभी कविता है वो दरअसल कविता नहीं, वो किताब है। और किताब में आपने जिस तरीके से एक प्रेमी और प्रेमिका जो मिल रहे हैं उसको जो दर्शाया, बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब, सच में बहुत खूब जी। जी। तो ऐसे में, क्योंकि शिव किशोर जी, आप जब तक कविता पढ़ रही थी, शिव किशोर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्या याद कर रहे थे और क्या उन्हें याद आ रहा था, उस पर जरा प्रकाश डालिएगा, लाइट डालिएगा जरा, शिव किशोर जी। श्रृंगार की कविता हो, हाँ। प्रेम की कविता हो, तो ग्राहक उसके साथ जुड़ी ही रहती है। और बड़ी अच्छी कविता के साथ हेमा जी,
सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा। और युवा तो इसी से परेशान है कि याद वो जाती नहीं जी, युवा तो इसी से परेशान है कि याद उसकी जाती नहीं उसी पर। हाँ, आपने कहा कि श्रृंगार की कविता है वो दरअसल यादों का जो झरोखा लेकर आती है। ये भी अपना बसंत है, ये भी एक अलग बसंत है जिस बसंत से युवा हर हर सीजन में हर मौसम में दो दो हाथ करते ही रहते हैं। एक एक मैं थोड़ा सा होली है लेकिन होली से थोड़ा इधर एक गीत आपके समक्ष निवेदित करता हूँ। मतलब इधर उधर जाना चाहते हैं आप? नहीं नहीं इधर उधर नहीं है, वो भी एक है लेकिन मैं थोड़ा सा अलग गीतकार हूँ तो एक पुट आपको देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, बहुत 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 स्वागत। और वो गीत जो आज के युवाओं की बात आपने की, जब युवा की बात आई तो मुझे वो गीत याद आ गया अचानक। आज का जो युवा है वो जरूर बहुत ऊंचाइयों पर है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर मन का भटकाव भी है और कहीं ना कहीं आज का समय जो है बहुत आधुनिकता का हो गया है। हमने बहुत प्राप्त कर लिया है, बहुत आधुनिक हो गए हैं, वैज्ञानिक हो गए हैं लेकिन जो हमारा मूल है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अर्थात संस्कार हमारे गिरते जा रहे हैं और हम युवा उन संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। तो एक गीत सुनिएगा। हाँ, बिल्कुल, मेरा वो पसंदीदा गीत है, आपके चैनल के माध्यम से गीत को मैं प्रेषित करता हूँ, सुनिएगा भाई साहब। बिल्कुल स्वागत। सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, हो गईया जो जीवन की आजादियां, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। पद चलने कुछ विदेशी हवाएं चली, पद चलने कुछ विदेशी हवाएं चली, जिनमें फंस करके बर्बाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। कैसे बर्बाद हुए कि पहले उठकर सवेरे पिता मात के, पहले उठकर सवेरे पिता मात के, शीश चरणों में हम सब झुकाते रहे, शीश चरणों में हम सब झुकाते रहे, आज माता पिता पा रहे यातना, आज माता पिता पा रहे यातना, ऐसे बेदर्द जल्लाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। नारियां सीता सावित्री बन के सदा, नारियां सीता सावित्री बन के सदा, राष्ट्र की अस्मिता को सजोती रही, राष्ट्र की अस्मिता को सजोती रही। मल्लिका और पिपासा तो आदर्श है, मल्लिका और पिपासा तो आदर्श है, उल्लुओं के हैं उस्ताद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। और बहुत क्या विद्रूपताएं है सुनिएगा कि भाई भाई में थी प्रेम की भावना, भाई भाई में थी प्रेम की भावना, राम लक्ष्मण भरत कृष्ण बलराम थे, राम लक्ष्मण भरत कृष्ण बलराम थे, बाल सुग्रीव रावण विभीषण है अब, बाल सुग्रीव रावण विभीषण है अब, कौरव पांडव का संवाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। और ये होली का पर्व चल रहा है, होली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, इसमें कहीं झगड़ा ना हो, झंझट ना हो, असली उद्देश्य होली का ये है। लेकिन हम सब होली में कहीं ना कहीं सुरापान कर देते हैं, दूसरे से विवाद करते हैं, होली का एक अलग रूप ही दे देते हैं। तब को चार पंक्तियां रचित करता हूँ कि शुद्ध भोजन में था शुद्ध जीवन मेरा, शुद्ध भोजन में था शुद्ध जीवन मेरा, शाकाहारी तरलता का व्यवहार था, शाकाहारी तरलता का व्यवहार था, चाहिए आज हमको सुरा सुंदरी, चाहिए आज हमको सुरा सुंदरी,
राक्षसों जैसी औलाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। पक्षियों में थी पर स्वार्थ की भावना, पक्षियों में थी पर स्वार्थ की भावना, ग्रंथ में उनका भी भारी परमार्थ था। आज वो देश भारत से गायब हुए, आज वो देश भारत से गायब हुए, बुलबुलों के सैयाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। बिल्कुल जी सर। आदमी आदमी से हुआ दूर है, जबकि होली का उद्देश्य है आदमी से आदमी मिल जाए, लेकिन आज हम मनाते तो है, एक औपचारिकता करते हैं, लेकिन हम अपने में भटकाव कहीं भटकाव में है। निवेदन करता हूँ, आदमी आदमी से हुआ दूर है, आचरण आज मानव का मजबूर है, आचरण आज मानव का मजबूर है। कल्पना के थंजन कहाँ तक लिखे, कल्पना के थंजन कहाँ तक लिखे, आज तेरी के फरहाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। दिन में फंस कर के बर्बाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। बहुत 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 शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शिव किशोर जी, बहुत सुंदर। तो शिव किशोर जी ने जैसे कि कहा कि कहने को आज़ाद हम हो गए, अब ऐसे में क्योंकि शुरुआत जो कार्यक्रम की हुई थी, जो कवि सम्मेलन की जो हमने शुरुआत की थी डिजिटल रूप से, वो की थी हमने शिव किशोर जी के साथ। अब जाते जाते हेमा जी आपकी तरफ से हो जाए और फिर कार्यक्रम को, इस कवि सम्मेलन को हम यहीं ठहराएंगे, इसको यहीं ठहराव देंगे। तो हेमा जी आप। मैं तो बस यही, आज होली है तो होली पे ही कुछ सुनाना चाहूंगी। स्वागत। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, चार पंक्तियां पढ़ करके मैं एक छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि किसी से दिल का लगाना मुझे आता है, किसी से दिल को लगाना मुझे आता है, और आंखों से नींद को चुराना मुझे आता है। जी, आंखों से नींद को चुराना मुझे आता है, और पाठशाला में पढ़ चुकी हूँ उनके, पाठशाला में पढ़ चुकी हूँ उनके, और उनको रूठना मुझे मनाना आता है। उनको रूठना मुझे मनाना आता है। और मैं होली पर ही विशेष रूप से मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा, छंद पढ़ रही हूँ। कि जब राधिका अकेली होती है और होली का पर्व है और राधिका अकेली जा रही है, तो कृष्ण अकेले पा करके उनको गुलाल लगाते हैं। सुनिएगा, पढ़ती हूँ। बिल्कुल। कि आज अकेले ने घेर ली जब कोई सहेली भी संग नहीं, आज अकेले में घेर ली जब कोई सहेली भी संग नहीं, और गोरी कलाई मरो हृदय मेरी, मैंने कहा कर तंग नहीं, और होरी में रोरी गुलाल मलो ऐसो, होरी में रोरी गुलाल मलो ऐसो, शेष बच्चों को ही अंग नहीं, और लाज को आज भी सार दई मैंने, सांवरिया मोहे अंग लगाओ। सुनेगा क्या कहती राधिका, कि लाज को आज भी सार दई मैंने, सांवरिया मोहे अंग लगाओ, और किंतु जहान को भाने ना हो कछु, ऐसे करो इसे ढंग लगाओ, और प्रेम के रंग मेरा था रंगी, कह चाम से ऐसे ना भंग चढ़ाओ, और नीलो ना पीलो सफेद नहीं मोहे, केवल प्रेम को रंग लगाओ, और नीलो ना पीलो सफेद नहीं मोहे, केवल प्रेम को रंग लगाओ। और अंत में मैं एक गजल के कुछ शेर पढ़ करके अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ। गजल प्यार की गुनगुनाऊं तो कैसे,
गजल प्यार की सुनाऊं तो कैसे, गजल प्यार की गुनगुनाऊं तो कैसे, बताओ तुम्हें भूल जाऊं तो कैसे, बताओ तुम्हें भूल जाऊं तो कैसे। और शेर पढ़ती हूँ, गवाही मेरी ये नजर दे रही है। कहते हैं कि प्रेम छुपाए नहीं छुपता है, तो शेर पढ़ती हूँ, गवाही मेरी ये नजर दे रही है, गवाही मेरी ये नजर दे रही है, गवाही मेरी नजर दे रही है, जमाने से मैं गम छुपाऊं तो कैसे, इससे मैं गम छुपाऊं तो कैसे। और अंतिम शेर पढ़ करके अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ, सुनिएगा। सभी पूछते हैं कि है कौन दिल में, सभी पूछते हैं कि है कौन दिल में, सभी पूछते हैं कि है कौन दिल में, जुबां पर तेरा नाम लाऊं तो कैसे, जुबां पर तेरा नाम लाऊं तो कैसे, गजल प्यार की गुनगुनाऊं तो कैसे। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत खूब। आपके चैनल के माध्यम से मैं चार पंक्तियां एक प्रेरणा की पढ़ना चाहती हूँ, जो युवाओं में प्रेरणा स्रोत बन करके उनके में जो है एक भावना पैदा हो प्रेरणा की, सुनिएगा, पढ़ती हूँ। जी स्वागत। कि कभी खुद की तुम खुद समीक्षा न करना, कभी खुद की तुम खुद समीक्षा न करना, बिना कर्म के फल की इच्छा न करना, नदी पार तो हौसलों से होगी, नदी पार तो हौसलों से ही होगी, ये लहरें थमेंगी प्रतीक्षा न करना, ये लहरें थमेंगी प्रतीक्षा न करना। बहुत बहुत आभार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार हेमा जी। और हेमा जी और शिव किशोर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात कहते हुए चलेंगे, हेमा जी ने अपनी जो कविता पढ़ी उसमें एक लाइन थी, जो भारत के लाखों पतियों का दरअसल आज भी सपना है। हेमा जी ने कहा कि उन्हें रूठना आता है और हमें मनाना आता है, और लाखों पति जो सोचे बैठे हैं कि कब उनकी बीवियां भी उनसे ये बात कहें कि आपको रूठना आता है और हमको मनाना आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कवि सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए, भाग लेने के लिए। तो आज का कवि सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया था खास आपके लिए, ताकि आप देखें और इसका आनंद उठा सकें, क्योंकि रंग है, गुलाल है, पिचकारी है, तो फिर ऐसे में कवि कहाँ चुप बैठेंगे। तो कवियों का ये सम्मेलन आपके लिए खास आयोजित किया गया था, जिसका आप आनंद उठाया होगा आपने, हम ऐसी आशा करते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।